चलो भाई, इसके साथ हमारी सारी गेस्ट की लिस्ट पूरी हो गई। क्यों सुमन? जी चाचू। कंचन बेटा, एक बार अच्छे से चेक कर लेना, किसी का भी नाम छूटना नहीं चाहिए। अरे कोई बात नहीं मम्मी, छूट भी गया तो कॉल करके बुला लेंगे, मैसेज वैसेज कर देंगे। सुमन, तेरा एक दोस्त हुआ करता था ना, जो बहुत अंग्रेज जैसा दिखता था, क्या नाम था उसका? अनीश। हाँ अनीश। अनीश के फादर को भी इनवाइट कर लेते हैं, कितने साल हो गए उनसे मुलाकात ही नहीं हुई। श्रवण, तुम एकदम सही वक्त पर आए। अच्छा, तेरी एक दोस्त भी होती थी जो अक्सर घर आती थी, क्या नाम था वो? और वो, अरे पापा, उसे कैसे भूल सकते हो, वानन होनी देविका। हाँ देविका। बच्चे कितने बड़े हो गए ना, ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात है, साथ में बैठकर होमवर्क किया करते थे। अशवन, तुम कितने शरारती थे। आगे पैर पक्का रख के चला नहीं बहन से, वरना पूरा नहाना भी पड़ सकता है। अरे मेरी प्यारी सी पड़ोसन, मेरे पैर ना पक्के पकाए हैं, मैं नहीं गिरने वाली। और कंचन और तुम तो पहले से अच्छे दोस्त बन चुके थे, लेकिन सुमन, बाप रे बाप, कितना झगड़ा करते थे तुम दोनों। बीना, तुम भी क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गई हो, जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखना ही नहीं चाहिए, हमेशा आगे देखो। श्रवण, एक मिनट, वैसे तो तुम इस घर का हिस्सा ही हो और अपनों को तो कोई कार्ड नहीं देता है, पर राजेंद्र भाई साहब आए थे और हम सबसे इतना प्यार से मिलके गए, तो ये कार्ड मल्होत्रा फैमिली के लिए। और तुम तो यहीं रहोगे, तो सगाई में तो हो गई। सुमन जी, ये कार्ड श्रवण को दे दो। Excuse me. आजकल के जमाने में ऐसा कम ही होता है। रमेश जी ने बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाला है सुमन को, और विक्रम लड़का भी अच्छा है, उसकी फैमिली भी अच्छी है। आई एम श्योर सुमन बहुत खुश रहेगी वहां पे। हेलो, आज भी नहीं बताते ना, हेल्पलेस फील करते हो, गुस्सा आता है तो खुद को तकलीफ देने लगते हो, है ना? ठीक है, मत बताओ, पर मुझ पे एक मेहरबानी करोगे? उस घर में सगाई होने वाली है और आपके लिए आसान नहीं होगा सगाई की तैयारियां देखना, सुमन की आने वाली लाइफ की बातें सुनना, तो प्लीज अपना सारा सामान लेके घर वापस आ जाओ। पक्का? हाँ।
अच्छा सुमन, एक बात बोलूं? बोलना। वो कंचा, इतना क्या सोच रही है, बोलना। देख, मतलब इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, पर अब राजेंद्र अंकल ने अपना घर वापस खरीद लिया है, राइट? इसका मतलब अब श्रवण के पास भी जगह है जहाँ वो रह सकता है, तो अब उससे वापस शिफ्ट हो जाना चाहिए, नहीं? कंचा, ये मैं उसे कैसे बोल सकती हूँ? अरे मैं बोल दूंगी ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं यार, ये सही नहीं है, उसे बहुत बुरा लगेगा। अरे पर इसमें क्या बुरा लगने वाली बात है यार? Come in. सुमन, चाचू ने वो हमारा घर वापस ले लिया ना, तो मैं वापस अपने घर शिफ्ट हो रहा हूँ। Best decision. वो एक्चुअली इस बार तुम्हें बिना बताए या बाय बोले बिना नहीं जाना चाहता था, तो बाय सुमन। श्रवण, तुम अभी जा रहे हो क्या? श्रवण, वो 2 दिन में मेरी एंगेजमेंट है और पैर में चोट लगने की वजह से तबीयत अब तक ठीक नहीं हुई, तो तुम बीच बीच में मुझसे मिलने आते रहोगे ना? उससे क्या होगा सुमन, तुम्हारी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। उससे मुझे अच्छा फील होगा, और जब पेशेंट को बेटर फील होता है ना, तो उनकी तबीयत और भी ज्यादा जल्दी ठीक होती है। वो कहते हैं ना कि घाव भरने के लिए दोनों चीजें जरूरी होती है, दवाई और अपनों का प्यार। I mean, अपनों की परवाह। फिर तुम्हें जरूर आऊंगा। सुमन, थैंक्स। थैंक्स किस लिए? कंचन को रोकने के लिए, ताकि वो मुझे जाने को ना कहे। थैंक यू सो मच। आप, तुमसे एक बात पूछो सुमन, तुमने कंचन को रोका क्यों? ताकि मुझे बुरा ना लगे या मेरे जाने से तुम्हें बुरा ना लगे? परेशान मत हो, आज मैं जवाब नहीं मांग रहा तुमसे। थैंक यू सुमन, अपना ध्यान रखना, बाय। कोई कुछ भी कहे, अपनी अपना रूम तो अपना ही होता है यार। खुश हो ना आप? अब सोचो आपको यहां देख के मैं कितना खुश हूं। भैया, पास्ट में हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आई, पापा ने जो भी किया, वो सब भूलना तो आसान नहीं है, लेकिन ये घर खरीद के हम सबको एक साथ लाके उन्होंने जो किया है ना, उसके लिए थैंक यू बोलना भी कम है। अच्छा सुन, पापा को किसी ने बताया घर के बारे में ये सब? हाँ, आपके पापा को मेरे पापा ने बता दिया। ग्रेट। पता है, मैंने भी काफी दिनों से पापा से बात नहीं की, इसी बहाने मैं भी उनसे बात कर लूंगा। मैं आपके लिए कॉफी भिजवा देती हूँ। हाँ, डमरू को बोल दे, बोले आएगा। डमरू जी नहीं, झुमरी, और आपकी कड़क कॉफी हम ले आए हैं जी। आई एम सॉरी झुमरी दीप, इतने दिन से वहां था ना, अब एक बार आदत लग जाए तो इतनी आसानी से छूटती नहीं है, तो पुरानी आदतों को छोड़कर लाइफ में आगे मूव ऑन करना भी तो जरूरी है ना भैया। हमें ना आप सबको घर में फिर से देखकर बहुत अच्छा लग रहा है जी, आज सबकी पसंद का खाना बनाएंगे। आप चिल करो अपने रूम में।
करना चाहिए और तू यहाँ खड़े होके पता नहीं कब से अंदर आराम ही कर रही थी कंचा, इसलिए सोचा कि थोड़ी देर के लिए हम बाहर आ जाओ। हाँ सुमन, पर ये प्लीज। अच्छा चल ठीक है, तुझे कुछ चाहिए? कुर्सी लाऊं? कुछ नहीं चाहिए, अभी थोड़ी देर में अंदर ही चली जाऊंगी। ओके फाइन। अच्छा मैं बाहर जा रही हूँ, तुझे कुछ भी चाहिए होगा ना तो मुझे कॉल कर देना। ओके ध्यान रखना। हाँ हाँ। कुछ चीज़ें हमारी यादों का ऐसा हिस्सा बन जाती हैं कि आप कहीं भी हो, आंखें बंद करके वापस उसी जगह उसी याद में पहुंच जाते हो। मैं उन्हें यादों का मैजिक बॉक्स कहती हूँ। अब मेरी नई लाइफ शुरू होगी, पर उसके पहले उस मैजिक बॉक्स में बंद अपनी पुरानी सबसे अच्छी यादों को एक बार फिर से जीना चाहती हूँ। पुरानी लाइफ में जो चीज़ बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ वो है ये छत और यहाँ से श्रवण को देखना। इस छत पर मुझे पता चला कि आंखों से भी बात हो सकती है और ये सीखा श्रवण के साथ। कभी गुस्से में कभी प्यार से भागती हुई जब भी छत पर आई श्रवण से बात करने के लिए, हमारी कभी आंखों ही आंखों में कभी इशारों में बातें हो जाती थी। इसी छत पर पहले मन में डाउट था कि ये सब कभी सच होगा भी या नहीं। आज मन में डाउट है कि पता नहीं एक आखिरी बार फिर वो यादें जी पाऊंगी या नहीं। बस एक आखिरी बार अगर तुम आ जाते श्रवण। वक्त बदल गया पर मैं नहीं। एक वो दिन थे जब यहां से अपनी सुमो को देखता था, तब भी मन में जानता था कि हम बने एक दूजे के वास्ते। तब जो यकीन था आज वो बस ख्वाब है। श्रवण बेटा क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? सर पे सुमन का पैर स्लिप हो गया। हे भगवान। सुमन तुम ठीक तो हो ना? सुमन क्या हुआ बेटा ये? श्रवण तुम इसे उठाने में मदद करो, मैं डॉक्टर को लेके आती हूँ। हाँ Thank you.
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.